छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में 3-4 दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिससे अन्नदाता चिंतित है। मुरखुसरा के किसान नीलम चंद्राकर का मानना है कि धान काफी छोटा है, पेड़ों को जो ग्रोथ करना था वह सूखे की वजह से नहीं हो पाया है। ऐसे में कह नहीं सकते कि धान का बाली निश्चित मात्रा में निकल पाएगा। पूर्व में सूखा होने की वजह से किसानों को डर है कि कहीं धान के पेड़ों से बदरा की बाली ना निकल जाए। मौसम खराब होने की वजह से दवाइयां भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में लगातार बारिश की वजह से सब्जी की खेती करने वाले प्राकृतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव के प्रत्येक किसान कर्ज से लदे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के लिए अच्छा सोचते हैं, आखिरी उम्मीद उन्हीं से है। बारिश से फायदा तो हुआ है, क्योंकि इधर जल स्रोत जो नीचे चला गया था उसमें पेयजल की समस्या और निस्तारी की समस्या का निराकरण जरूर हुआ है, पर इससे पहले जो फसल पूरा जल गया था, पूरा खत्म हो गया था, फसल तो कहीं होना नहीं। इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा ही हो रहा है नुकसान, क्योंकि बारिश जिस समय होना था उस समय बारिश नहीं हो पाई, उससे धान वापस बैठना चालू हो गया। बाद में जब बारिश हुई उसमें हमको उतना तो जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। बालियाँ भी जिस वजह से धान बैठने की वजह से धान की जो बालियाँ हैं बहुत छोटा आ रहा है। बालोद से KP चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।